और आइए विस्तार से सियासी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं 12 से 2 पॉलिटिकल शो में, जिसमें सबसे पहले खबर इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर है। बड़ी खबर जिससे खलबली मची हुई है और इस वक्त जानकारी ये सामने आ रही है कि चुनावी चंदे पर स्टेट बैंक के दिए आंकड़ों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठा दिए हैं। चीफ जस्टिस ने इलेक्टोरल बॉन्ड में बॉन्ड नंबर का जिक्र ना होने पर SBI से सवाल पूछा है। चीफ जस्टिस ने साफ कहा है कि जो चुनावी चंदा दिया गया उसमें SBI बॉन्ड नंबर का खुलासा करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। अब इसकी सुनवाई सोमवार को होगी। आखिरकार इसके मायने क्या है, बॉन्ड नंबर की अहमियत क्या है, बॉन्ड नंबर से हासिल क्या होगा, इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। निपुण, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जिस बात का जिक्र किया गया कि साहब आदेश पे बॉन्ड नंबर को सामने रखने की बात कही गई थी जो SBI ने नहीं किया, बॉन्ड नंबर मतलब क्या और इससे किस तरीके से तस्वीर जो है वो चुनावी चंदे को लेकर और पारदर्शी और साफ होगी, जरा ये समझाइए। बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं आदेश को देख रहा था जो 15 फरवरी को आदेश आया था। बॉन्ड नंबर का उल्लेख तो उसमें नहीं है आदेश में, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब ये कहा जा रहा है कि आपको पूरा ब्यौरा देना है तो उसमें ये बात अंतर्निहित है कि बॉन्ड का नंबर भी बताएंगे। देखिए, इसके ना होने से क्या नुकसान है, कल से एक कयासबाजी का दौर है कि किसने किसी कंपनी ने इतनी तारीख को इतने का बॉन्ड खरीदा और एक पार्टी ने दो दिन के बाद इतने रुपये का बॉन्ड कैश कराया, लेकिन क्या इससे ये बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह वही वाला बॉन्ड था जिसको उस पार्टी ने कैश कराया है? यानी एक जो मिलान की समस्या है और लोगों को जो जानकारी देने का जो एक उद्देश्य था, क्योंकि हर बॉन्ड का एक यूनिक नंबर है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, जिसको कि अगर SBI देता चुनाव आयोग को कि इस नंबर का बॉन्ड इसने खरीदा था और अगली जानकारी ये मिलती कि इसी नंबर का बॉन्ड इस पार्टी ने कैश कराया है, तो लोगों के लिए जान पाना सहूलियत भरा होता। लेकिन अब जो है एक कयासबाजी चल रही है, लोग अंदाजा लगा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है कि जब हमने कहा था कि पूरा ब्यौरा देना है उसमें बॉन्ड नंबर भी, ये बॉन्ड नंबर जिसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज किया गया और बॉन्ड नंबर मतलब जिससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि किसने किसे कितना चंदा दिया, किसने किस राजनीतिक दल को कितना चंदा दिया, ये सारी जानकारी जिससे साफ हो जाएगी, वो नंबर बॉन्ड नंबर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी चुनाव आयोग को दी उसमें मिसिंग। और इससे पहले जो SBI की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि साहब डेटा बहुत ज्यादा है, हम मिलान नहीं कर सकते, तो क्या इसी बॉन्ड नंबर के मिलान को लेकर ही SBI की तरफ से पहले एक असमर्थता जताई गई थी अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में? निपुण, बिल्कुल रोमाना, असमर्थता तो इसी बात की जताई गई थी, लेकिन सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको रिलीव कर दिया, कहा जो है सो दे दो, चुनाव आयोग को बता दो, चुनाव आयोग इसको प्रकाशित कर देगा, तो आपको मिलान के काम से मुक्त कर दिया गया, लेकिन आप कम से कम आंकड़ा इस तरह से तो देते कि जिस आदमी को जिसको रुचि है, दिलचस्पी है, जानना चाहता है वो मिलान कर सके। और ये मिलान होगा कैसे? बॉन्ड नंबर से ही होगा, क्योंकि वो एक यूनिक नंबर है जो कि इस नंबर का बॉन्ड इस पार्टी ने खरीदा, इस कंपनी ने खरीदा और तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद वो किसी पार्टी ने कैश कराया। तो नंबर से नंबर का मिलान करने के बाद एक आम आदमी जान सकता है जानकारी को, लेकिन तो मतलब यहाँ तो कटघरे में SBI खड़ी हुई नजर आ रही है कि SBI ने भाई इलेक्टोरल बॉन्ड और जानकारी सारी सार्वजनिक करने के पीछे जो सीधा सीधा मकसद था वो तो ये था ना कि तस्वीर साफ हो पाए, पारदर्शिता नजर आए, किसने किसको कितना पैसा दिया। और ये बॉन्ड नंबर ना देकर मतलब SBI ने जितनी जानकारी दी नहीं उससे ज्यादा जानकारी तो छुपा ली, तस्वीर यही उभर रही है ना अभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक धुंधला जो है पूरा मामला कर दिया है, क्योंकि एक अंदाजा ही लगाया जा रहा है। हालांकि यह देखना होगा, स्टेट बैंक को जवाब देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, और सोमवार को जब सुनवाई होती तो SBI क्या सफाई देता है जी? क्या बताता है, क्यों वो बॉन्ड नंबर नहीं दे पाया, क्या वो जवाब संतोषजनक होगा जी? उसके बाद तय होगा सुप्रीम कोर्ट का रुख, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का रुख बिल्कुल गर्म है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि इसके लिए तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं, इस तरह का एक इशारा भी
चीफ जस्टिस ने दिया। बिल्कुल, पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी जानकारी को लेकर ही एसबीआई का वो टालमटोल वाला रुख सामने आया था, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था कि नहीं, आप फॉरेन डेटा उपलब्ध कराइए। और अब जबकि डेटा सामने आ गया है तो उसमें से बॉन्ड नंबर ही गायब, जिसको लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट एसबीआई की तरफ सख्त रुख अपनाता हुआ नजर आ रहा है। और एसबीआई से कहा गया है कि जवाब दो, मामले में अगली सुनवाई 18 तारीख को होगी। बहुत शुक्रिया निपुण सहगल फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।